आज से एक साल पहले मैंने एक किताब खरीदी थी। किताब का शीर्षक है आई डू व्हाट आई डू। रघुराम राजन जी का लिखा हुआ यह किताब है। हालांकि पिछले एक साल में मैंने इस किताब के एक पन्ने तक नहीं उल्टे, या फिर यूं कह लो कि कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब आज मेरे पास वक्त है तो मैं इस किताब के शुरुआती पन्नों को पढ़ रहा था, और शुरुआती पन्नों में मुझे कुछ ऐसे मूल मंत्र मिले जिससे कि मुझे लगता है कि अगर हर वो इंसान जो सफल होना चाहता है, हर वो इंसान जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, अगर इस मूल मंत्र को अपने जीवन में उतार ले तो वो बहुत आसानी से सफलता प्राप्त कर सकता है। और सबसे अट्रैक्टिव जो मूल मंत्र मुझे लगा इस किताब के कवर पेज पर ही लगा, ये रघुराम राजन जी का मूल मंत्र है, संकल्प, संवाद और सुधार। इस तीनों मूल मंत्र पर आगे मैं आपसे सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करूंगा कि कैसे आप इस तीनों मूल मंत्र को अपने जीवन में उतार कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर और बहुत आसानी से बढ़ सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का जो ये हमारा संवाद है उन लोगों से है कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं, या फिर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या करने का सोच रहे हो। लेकिन उससे पहले भी आप एक बात बताइए कि जो ये 21 दिन का लॉकडाउन है, इस 21 दिन के दौरान आप घर में क्या करने वाले हो, या फिर जो दो दिन का वक्त निकल गया इस दो दिन के दौरान आपने क्या किया। मैक्सिमम जवाब आएंगे या फिर 95% लोगों का जवाब आएगा कि इस दो दिन के दौरान जो निकल गया उसमें आपने व्हाट्सअप चैटिंग किया, वेब सीरीज़ देखे, मूवीज़ देखे, टीवी देखे, दोस्तों से फ़ोन पर गप्पे मारे, और ये सच्चाई है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि अगर आपका टारगेट क्लियर है, अगर आपको ये पता है कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, अगर आपको पता है कि आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपको पता है कि आपका करियर इस दिशा में जाना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको जो ये 21 दिन का वक्त मिला है, जो आपकी एफिशिएंसी है, जो आपकी एनर्जी है, उसको सही जगह पे यूटिलाइज़ करो। अपने करियर के बारे में सोचो, मंथन करो, घर में बैठकर सोचो कि आप किस तरह से स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हो, किस तरह से आप फोकस कर सकते हो, इन सब बातों पर आप विचार कर सकते हो। मैं बात कर रहा था कि इस किताब के जो तीन मूल मंत्र है इसे आप किस तरह से अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ सकते हो। तो सीक्वेंस वाइज अगर आप देखोगे तो इस किताब में सबसे पहले आता है संकल्प, दूसरे नंबर पर आता है संवाद और तीसरे नंबर पर आता है सुधार। लेकिन आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, अभी घर में हो, 21 दिनों का वक्त है आपके पास में, तो मैं यहाँ पर सबसे ऊपर में रखना चाहूँगा सुधार। सुधार क्यों सबसे ऊपर में? क्योंकि अभी जो आपका डेली का दिनचर्या बना हुआ है, मूवीज, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसको थोड़ा सा बदलिए, इसको थोड़ा सा सुधारिए, सही जगह पे अपनी एनर्जी को लगाइए। आप घर में बैठकर आलस न दिखाएं, लेटे ना रहें, सोएं मत, सही जगह पे एनर्जी लगाएं। तो सबसे पहले तो आप सुधार कीजिए। अगर आप अपने जीवन में सुधार डाल लेते हो तो आप एक कदम आगे बढ़ जाते हो अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर। दूसरा यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा संकल्प। आप अपने आप से संकल्प लीजिए कि आपको इस 21 दिन के दौरान क्या करना है, आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए, आपको रिविज़न करना है, आपको ये टॉपिक ख़त्म करना है, आपको ये पढ़ना है। तो 21 दिनों का संकल्प बनाइए, और ये 21 दिन का संकल्प जो है आपके लक्ष्य प्राप्ति की ओर, या फिर जो आपके टारगेट का संकल्प है, वहाँ तक पहुँचाने में बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद तीसरा मूल मंत्र आता है संवाद। अब आप कहोगे कि संवाद किससे करें, कैसे करें? तो यहाँ पर संवाद के तौर पर आपके लिए एक चीज़ अवेलेबल है, हमारा CGPSC मोबाइल कोर्स। इस मोबाइल कोर्स से संवाद कीजिए, मार्गदर्शक बनाइए, और इसके जरिए जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर आप आगे बढ़ सकते हो, वो भी घर बैठे। और 21 दिन में इस मोबाइल कोर्स को सबसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ आप लोग कर सकते हो, और 21 दिन की जो आपकी एनर्जी है, एफिशिएंसी है, अपने गोल की तरफ लगा सकते हो। मोबाइल कोर्स के क्या क्या बेनिफिट हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझो कि ये मोबाइल कोर्स किनको किनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। सबसे पहले वो लोग जो कॉलेज में हैं, या फिर जस्ट कॉलेज पास आउट करने वाले हैं, और वो आगे चाहते हैं कि आगे जाकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, और सोच रहे हैं कि जैसे ही ये सब खत्म होगा, मेरा कॉलेज खत्म होगा, मैं जाकर 40,000 रुपये दूंगा कोचिंग में और उसके बाद तैयारी शुरू करूँगा। तो आप वो न करके पहले घर में जो आपको समय मिला है उसको यूटिलाइज़ करो, 40,000 की जगह मात्र 3100 रुपये खर्चा करके इस मोबाइल कोर्स से पढ़ने की कोशिश करो, आपका आधा तैयारी तो वहीं हो जाएगा। तो जो लोग कॉलेज में हैं और जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का सोच रहे हैं, एक बार competitioncommunity.com पर विज़िट करो, वहाँ जो डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है मोबाइल कोर्स का उसे देखो, और उसके बाद अपना फ़ैसला लो। देखो, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो ना कि जैसे ये सब खत्म होगा उसके बाद जाकर तैयारी शुरू करेंगे, या उसके बाद जाकर कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, 40,000 रुपये दे देंगे,
तो एक मेरा एग्जांपल समझना है यहाँ पर, एक एक मैं एग्जांपल देता हूँ, उसे समझने की कोशिश करना कि अक्सर आप लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा कि आप एक बंद अंधेरे कमरे में हो और अचानक से जब रोशनी में निकलते हो तो कुछ देर के लिए आपकी आँखें बंद हो जाती है या कुछ देर के लिए आपको दिखाई नहीं देता है। तो ठीक आप ये 21 दिन के लॉकडाउन को भी उसी तरह समझ लो, आप एक बंद कमरे में हो और जब आप सोच रहे हो कि अचानक जाकर बाहर तैयारी करोगे तो कुछ देर के लिए आपकी आंखें भी बंद होंगी, कुछ वक्त भी लगेगा वापस आने में। तो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, आपके लक्ष्य प्राप्ति की ओर जो आपको समय मिला हुआ हो वो समय की बर्बादी ना हो, इसके लिए आपके पास में जो ये 21 दिन का वक्त है इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करो। ये हो गया पहली बात कि किनको मोबाइल कोर्स बेनिफिट कर सकता है वो लोग। तो ये मोबाइल कोर्स किन लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है? सबसे पहला कि वो लोग जो कॉलेज में हैं, जो तैयारी करने का सोच रहे हैं या फिर पास आउट हो चुके हैं और जस्ट CGPSC की तैयारी करने का सोच रहे हैं। दूसरा, उन लोगों के लिए जो एक दो बार प्रयास कर चुके हैं और सफलता उनके हाथ नहीं लगी है, उन लोगों के लिए भी मैं बोलूँगा कि जैसे इस मूल मंत्र में किताब में मैंने बताया ना, एक शब्द है सुधार। तो आपने पिछले समय में क्या क्या गलतियाँ की, उस गलतियों से सीखने का कोशिश करें इस मोबाइल कोर्स से, यार समझने की कोशिश करो। आप कोचिंग जाओगे, 40,000 रुपये वहाँ पर देकर कोचिंग करोगे, आप अभी घर से बाहर जा नहीं सकते, तो आपको मात्र 3100 रुपये में 200 घंटों के कंप्लीट वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट कौन देता है? तो बेहतर समय है आपके पास में, जो घर में आप हो तो इस मोबाइल कोर्स के माध्यम से वहाँ पर पढ़ने की कोशिश करो। चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप पास आउट हो चुके हो, चाहे तैयारी करने का सोच रहे हो, या फिर जो एक दो बार असफल हो चुके हैं वो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं इस मोबाइल कोर्स के माध्यम से। ये हो गया कि किनको किनको फ़ायदा पहुंचा सकता है ये मोबाइल कोर्स। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना कि इस मोबाइल कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस मोबाइल कोर्स की कीमत हमने रखा था 4200 रुपये, लेकिन अभी फ़िलहाल 25% का ऑफ है, तो ये मात्र आपको 3150 रुपये में ही मिल जाएगा। और इस 3150 रुपये में 200 घंटों के वीडियो लेक्चर्स कौन अवेलेबल करवाता है? हम करवा रहे हैं, ताकि आप घर बैठे आसानी से तैयारी कर सको। इसके अलावा इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। और कुछ लोग पहले तैयारी कर चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं और कुछ सब्जेक्ट उनका वीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी मोबाइल कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो जाइए वेबसाइट पर, विजिट कीजिए, डेमो लेक्चर्स देखिए, उसके बाद मोबाइल कोर्स के बारे में जानिए। इसके अलावा जो अगर नहीं समझ आता है तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर अगर आपका टारगेट क्लियर है, अगर आपका संकल्प क्लियर है कि आपको ये करना है, आपको इस दिशा में जाना है, और इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं, पोस्टपोन्ड होगा, क्या होगा, अपना काम ईमानदारी से मेहनत से करते रहिए। और कभी वक्त मिले तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, कैसे रघुराम राजन ने अर्थव्यवस्था को चलाया, RBI गवर्नर रहते हुए कैसे बड़े बड़े डिसीजंस लिए। तो इसमें डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो सीखने को मिलेगा आपको, आगे भी अगर आप बड़े डिसीजंस लेने वाले हो तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो ये 3 मूल मंत्र, संकल्प, संवाद और सुधार, जिसमें मैंने आपको बताया पहले सुधार करें, उसके बाद संकल्प और उसके बाद संवाद। संवाद के लिए मैंने आपको एक बेहतर विकल्प भी बताया, हमारा मोबाइल कोर्स से जुड़ सकते हो। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लें। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और निरंतर वीडियोस हम घर से आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहे आपको घर में बैठे मोटिवेशनल वीडियोस की ज़रूरत हो, चाहे करंट अफेयर्स की वीडियोस की ज़रूरत हो, या फिर किसी भी प्रकार की वीडियोस हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी भी प्रकार के अगर समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मोबाइल कोर्स से जुड़ा या किसी भी प्रकार से समस्या आता है आप कॉल भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।